हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मंथ स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी जिंदगी में भले ही नेगेटिव रोल किए, पर इन्हें हमेशा दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ढेर सारा प्यार ही मिला है। हमारी जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया। हमने कहा रुको, कुछ दिन के बाद जाना, धन्यवाद दो हमारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर आशुतोष राणा की, जिन्होंने अपने एक्टिंग के बूते दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के कुछ अनजाने अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है आशुतोष राणा और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। आशुतोष राणा का असली नाम है आशुतोष निखारा। इनका जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम राम नारायण निखारा था। ये चार भाई और एक बहन है। बचपन में ये अपने गांव की रामलीला में हिस्सा लेते थे, जो इन्हें बहुत पसंद था, और फिर ये रामलीला में रावण की भूमिका भी निभाने लगे। यहाँ पर इन्हें अपनी एक्टिंग के लिए बहुत तारीफें मिलती थी। बाद में इन्होंने अपना सरनेम निखारा से बदलकर राणा कर लिया। ज्यादातर एक्टर अपना फर्स्ट नेम बदलते हैं, बट इन्होंने अपना सरनेम बदला। इनका असली नाम आशुतोष निखारा था, जिसे इन्हें बदलकर खुद ही राणा कर लिया, जो इनके पिता के नाम का इनिशियल था, यानी राम नारायण के पहले दो लेटर राणा। क्या करते, छोड़ देते क्या? अबे छोड़ देते साले को, आज मार देते कल मार देते, ये बवाल तो ना उठता ना। अरे भैया, माफ करो आप लोग हमको, आपके जैसे गुंडे बदमाशों की जरूरत नहीं है हमको अपने साथ। कैसी बात। अब मैं इनके आगे की जीवन की बात करती हूँ। जब ये 10वीं में थे, तभी इनकी माँ का देहांत हो गया और ये गहरे सदमे में चले गए। तब इनके एक दोस्त ने इनकी मदद की और इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु देव प्रभाकर शास्त्री जी से मिलवाया, जिन्होंने आशुतोष जी की बहुत मदद की और उसके बाद ये उन्हीं को फॉलो करने लग गए। अपने ग्रेजुएशन के समय इनका अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छा प्रभाव था। ये सभी की बहुत हेल्प भी करते थे और स्टूडेंट्स इन्हें अपना लीडर के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली, पर इनके गुरु देव शास्त्री जी ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम नेता नहीं अभिनेता बनो, और साथ ही इन्हें दिल्ली में जाके एनएसडी में एडमिशन लेने की सलाह दी। बचपन से लेके आज तक जब भी मैं सड़क से गुजरती थी ना, तो कुत्ते मुझे देख के भौंकते थे, कभी कभी कुछ काट खाते। एक आदत सी हो गई, अब डर नहीं लगता। ईयर 1991 में इन्होंने दिल्ली जाकर एनएसडी में एडमिशन ले लिया और 1994 में ये मास्टर कर लिए अपनी एक्टिंग को, और इसके बाद ये पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे जी से जुड़ गए। फिर इन्होंने बहुत सारे प्ले में हिस्सा लिया और अपनी एक्टिंग को बहुत निखारा। इसी दौरान इनके गुरु ने इन्हें मुंबई जाने की सलाह दी और कहा कि मुंबई जाकर तुम महेश भट्ट से मिलने की कोशिश करना, वही तुम्हें पहला काम देंगे, और तुम्हारा जो पहला काम तुम्हें मिलेगा उसका पहला अक्षर एस से शुरू होगा। आशुतोष राणा जी अपने गुरु के कहने पे मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट जी से मिलना आसान काम नहीं था। वो उस समय के टॉप के डायरेक्टर में गिने जाते थे और उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने बहुत कोशिशें की उनसे मिलने की, मगर कभी बात ही नहीं बनी, और साथ में इनके पास रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ ये पैसे लाए थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई, जिसे वो एनएसडी के समय से जानते थे। वो उस समय महेश भट्ट जी के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, इसलिए वो आशुतोष जी को उनके फिल्म सेट पर ले गए। आशुतोष राणा सेट पर महेश भट्ट जी के पास गए और जाते ही उनके पैर छू लिए।
महेश भट्ट जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनके पैर छुए। पैर छूते ही महेश भट्ट जी को गुस्सा आ गया और वो आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत अपने फिल्म के सेट से आशुतोष जी को बाहर निकलवा दिया और सबको कहा कि इस आदमी को दोबारा यहाँ मत आने देना। इसके बाद एक बार फिर आशुतोष राणा जी को महेश भट्ट जी से मिलने का मौका मिला और इस बार भी इन्होंने उनके पैर छू लिए और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। जब भी वो मिलते हर बार उनकी नाराजगी के बावजूद आशुतोष जी उनके पैर छू लिया करते थे। एक बार महेश भट्ट ने उनसे पूछा कि इतना बुरा बिहेव करने के बाद भी तुम बार बार मेरे पैर क्यों छूते हो। तब आशुतोष जी ने बोला कि हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब भी अपने बड़ों से मिलो जिनके आप आदर करते हो तो उनके पैर छू के प्रणाम करो और ये संस्कार मैं किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। महेश भट्ट जी इनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए और खटास थोड़ी दोनों के बीच कम हुई। महेश भट्ट जी उन दिनों एक सीरियल पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्वाभिमान और इसमें इन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। आशुतोष राणा जी को तब अपने गुरु की बात आई और इनका पहला काम एस लेटर मतलब स्वाभिमान से शुरू हुआ। इस टीवी सीरियल में इन्होंने त्यागी नाम का रोल निभाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। मरद कहता है अपने आप को तो सीना ठोक कर हमारे सामने आता, ये का लुगाइयों की तरह हमको अकेला निहत्था जानकर घेर लिया तुम। इस तरह से इन्हें छोटे पर्दे पे पहचान मिली और इसके बाद इन्होंने तहकीकात आहट जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। ईयर 1997 में महेश भट्ट ने इन्हें अपनी फिल्म तमन्ना और गुलाम में छोटे छोटे रोल भी दिए जिसे इन्होंने बहुत संजीदगी से निभाया। ईयर 1998 में आशुतोष जी को वो काम मिला जिससे इन्हें खुद को साबित करने का मौका मिला। ये फिल्म थी भट्ट कैंप के दुश्मन जिसे इनकी बेटी पूजा भट्ट डायरेक्ट कर रही थी। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल ने डबल रोल किया और उनके साथ संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। आशुतोष राणा जी ने इस फिल्म में गोकुल पंडित का नेगेटिव रोल प्ले किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा सफल नहीं हुई लेकिन इसमें निभाए गए आशुतोष जी के पोस्टमैन के रोल ने दर्शकों को अंदर तक हिला दिया और अपने इस रोल से इन्होंने बता दिया कि ये किस तरह से अपने किरदारों को जीती है। इस रोल के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का अवार्ड जीता था। ईयर 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा के साथ इनकी मूवी आई संघर्ष और इसमें एक बार फिर से इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया वो भी एक ट्रांसजेंडर का और ये किरदार इनके पिछले किरदारों की तरह ही बहुत डरावना था। इस फिल्म में इन्होंने फिर से अपने किरदार में जान फूंक दी और इस साल भी इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से इस फिल्म के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में देखते रहे। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की, तो सबसे पहले शादी की। आशुतोष राणा जी ने बड़े पर्दे की आदर्श बहू रेणुका शाहणे से शादी की। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई। यहाँ पर उनकी दोस्त राजेश्वरी सचदेवा ने इन्हें रेणुका से पहली बार मिलवाया था। पार्टी के खत्म होने तक दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद कई महीनों तक दोनों की ना तो कोई बात हुई ना मुलाकात। इसके बाद दोनों को फिल्म डायरेक्टर रवि रॉय के घर दीपावली की एक पार्टी में इन्वाइट किया गया लेकिन किसी कारण रेणुका वहां नहीं पहुंच पाई। यहां पर आशुतोष उनका इंतजार करते रहे क्योंकि वो इनसे बात करना चाहते थे। फिर इन्होंने रवि से उनका फोन नंबर लिया ताकि खुद फोन कर सके। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया कि रवि ने मुझे नंबर तो दे दिया पर साथ ही ये भी कहा कि रात के 10 बजे के बाद रेणुका किसी अननोन नंबर को उठाती ही नहीं है और ये सही भी निकला क्योंकि जब आशुतोष जी ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं की। तब आशुतोष जी ने अपने नाम के साथ दीपावली की शुभकामनाएं उनके आंसरिंग मशीन पे छोड़ दी। उनके संदेश को सुनकर रेणुका जी इन्हें मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया और घर पर दोनों ने करीब एक घंटे तक बात की।
इसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे। बताते हैं कि करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। फिर ईयर 2001 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से इनको 2 बेटे हुए, शौर्यमान और सत्येंद्र। ईयर 2001 में ये पहली बार नजर आए फिल्म राज में, जिसमें इन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई और इस रोल में भी लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया। इन्होंने ईयर 2002 के बाद कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया और वहां भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। ईयर 2005 में इन्होंने फिल्म शबनम मौसी में एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए इन्हें बहुत तारीफें मिली। इसी दौरान ये महेश भट्ट की फिल्म अवारापन और कलयुग में भी नजर आए। ईयर 2013 में ये नजर आए फिल्म जिला गाजियाबाद में और इसके बाद ये नजर आए हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में, जिसे इनकी सेकंड इनिंग माना जाता है। इस फिल्म में इन्होंने आलिया भट्ट के पिता की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आशुतोष राणा एक अच्छे राइटर और पोइट भी है। इन्होंने मौन की मुस्कान और राम राज्य जैसी किताबें लिखी है। ये अच्छे सिंगर भी हैं। इनके गाए हुए शिव तांडव स्तोत्र को लोगों ने बहुत पसंद किया। जटा टवि गलज वला प्रवाह पाव तस्थले गले वलंब लंबिदाम भुजंग तुंग मालिका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन ये ऐसे ही करते रहेंगे और जब भी नेगेटिव रोल की बात होगी तो आशुतोष राणा के द्वारा निभाए हुए किरदारों को सब जरूर याद करेंगे। इसी के साथ ये अभी के लिए बस इतना ही। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।